हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम इंस्टेंटली ऐसी मोदक की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जिसे आप घर के बेसिक सामानों से बना सकते हैं। कम खर्चे में बेहतरीन मोदक बनके रेडी हो जाएगी, वो भी आसान ट्रिक से। कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है दोस्तों बनाना। जो पहली बार में इसे बनाएगा बिना गलती किए हुए परफेक्ट बनाएगा दोस्तों। और ख़ास बात इस रेसिपी की ये है कि जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सबके घरों में इजीली अवेलेबल होता है। बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे और थोड़ी सी भी डिफरेंट लगे, फ्लेवरफुल लगे, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ऐसी अच्छी अच्छी और इंस्टेंटली रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि ये आसान सी रेसिपी कैसे बनती है। तो दोस्तों, कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। आप चाहो तो मैं इसी कढ़ाई में बना रही हूँ, आप चाहो तो किसी भी बर्तन में जिसमें आपकी सुविधा हो उस बर्तन का इस्तेमाल करके ये रेसिपी आप बना सकते हो। रेसिपी को एकदम फ्लेवरफुल और स्वादिष्ट बनाने के लिए दोस्तों हम इसमें कुछ ऐसी सामग्री ऐड करेंगे जिनका अपना ही कुछ अलग टेस्ट होता है और बहुत ही न्यूट्रिशन फुल और हेल्दी होता है। इस रेसिपी को हम टेस्टी और हेल्दी बनाएंगे जिसे बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेसमी सीड है, तो यहाँ पे 1.5 चम्मच मैंने सेसमी सीड ले ली है, 1 चम्मच जो मीठी वाली सौंफ आती है। तो इन सारे चीज़ों का जो फ्लेवर होगा ना इस रेसिपी में बहुत ज़बरदस्त आएगा। और ये खसखस है तो 1.5 चम्मच मैंने पॉपी सीड्स ले लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे 2 चम्मच एसिकेटेड कोकोनट नारियल ले लिया है, जो नारियल का बुरादा होता है, मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाता है। और इन सारी सामग्रियों को हमें ड्राई ही रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ा सा एक नमी जो होता है, कच्चापन, उन्हें थोड़ा सा हटाना है। अगर आप इसे जला दोगे तो इसका टेस्ट, फ्लेवर और जो न्यूट्रिशन है वो सारा ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, 1 मिनट में ही ये अच्छे से भुना गया है, इसका कच्चा जो नमी है, कच्चापन, ये चला गया है और एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। ये देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आ गया है। इसको जलाइएगा मत बिल्कुल आप। अब हम इसे एक अलग से स्टील के बर्तन में निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, सेम कढ़ाई मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे गाय का शुद्ध देसी घी है, ये रेसिपी मैं इसी घी में बना रही हूँ क्योंकि गणेश जी भगवान को भोग लगेगा। दोस्तों, आप जो घी इस्तेमाल करते हो उसी घी में आप ये रेसिपी बना लीजिएगा, लेकिन मैं गाय के घी में ही ये रेसिपी बना रही हूँ। और यहाँ पे 1 कटोरी रावा है, बारीक वाली रावा है। अगर आपकी मोटी वाली रावा होगी तो थोड़ा सा मिक्सी में आप उसे चला लीजिएगा ताकि ये जो रेसिपी है एकदम सॉफ्ट और एकदम हल्की और मुलायम बने दोस्तों। तो दोस्तों, सूजी को हमें जलाना बिल्कुल नहीं है, एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगे उतना तक ही हमें इन्हें भूनना है। साथ ही साथ इसका एक एक दाना लो टू मीडियम गैस पे इन्हें भूनना है ताकि एक एक दाना जो है हमारा अच्छे से भुना जाए दोस्तों, ताकि हमारी रेसिपी बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट बने। तो ये लीजिए दोस्तों, इसका कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया आ गया है। बस 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से भुना गया है, एक एक दाना जो सूजी का है अच्छे से भुना गया है और घी और सूजी का जो है एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। साथ ही साथ अच्छी तरह से इसका जो कच्चापन है वो भी चला गया है। तो बस इस स्टेज पे हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो, शुरू से लेके अब तक मैंने एक ही बर्तन का इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी की खास बात ये है कि दोस्तों, हमें ज़्यादा बर्तन इसमें नहीं लगता है जैसे कि दूसरे रेसिपी में लगता है 2-3 बर्तन। तो आपको ज़्यादा बर्तन मांजने की भी जरूरत नहीं होगी इस रेसिपी में, एक ही बर्तन में हम सारा काम कर ले रहे हैं दोस्तों। तो आप सेम कढ़ाई में यहाँ पे आप देख सकते हो 60 ग्राम मेरी मोटी वाली चीनी है, तो 60 ग्राम मैंने चीनी ले ली है। अब दोस्तों, सेम कटोरी से हम 2 कटोरी एकदम मलाईदार दूध डालेंगे, एकदम फुल फैट क्रीम वाला, ताकि जो हमारी रेसिपी बने बहुत ही टेस्टी, एकदम स्वादिष्ट, एकदम रबड़ीदार और मलाईदार बने दोस्तों। तो ये दूध पहले से ही बॉयल किया हुआ है और उसके बाद ठंडा करने के बाद मैं ये रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। तो ये रही हमारी दूसरी कटोरी, तो एकदम जो है फुल फैट क्रीम वाला मेरा ये दूध है,
इससे ये जो रेसिपी बनेगी खाते ही बनेगी। दोस्तों गैस का फ्लेम इस स्टेज पे हमने हाई कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1/4 करीब मैं इलायची का पाउडर ऐड कर रही हूँ, जिससे जो हमारी रेसिपी है टेस्ट फ्लेवर और इनहेल्स हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों 8 से 9 केसर के धागे हैं, तो ये भी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो दोस्तों इस रेसिपी का और टेस्ट और स्वाद बढ़ा देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जायफल है, नटमेग, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसे मिठास वाली चीज़ में ऐड करने से उसका टेस्ट फ्लेवर इनहेल्स हो जाता है, लेकिन ये छिलका सहित ही है और मैंने इसका छिलका पहले ही निकाल लिया है और काफ़ी जो रेसिपी मैं बनाती हूँ उसमें इस्तेमाल करती हूँ। तो ये इस तरह से देखने में होता है, बहुत ही हेल्दी होती है। इसके बारे में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है एक रेसिपी में, इसका जो भी बेनिफिट्स है। तो इसको हम घस लेंगे, इससे भी टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा दोस्तों। तो इसको ज़्यादा नहीं देना है कि टेस्ट फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा घिस देंगे, बस पिंच भर ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए दोस्तों, बस पिंच भर हमने इसको डाल दिया है, ये देख सकते हैं, बस इतना ही हल्का सा हमें डालना है। इसी से टेस्ट फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाएगा। अगर आपके पास केसर के धागे और नटमेग नहीं है तो आप टोटली इसको स्किप कर सकते हो। मेरे पास थी इसीलिए मैं इस्तेमाल कर ले रही हूँ, काफ़ी सारी रेसिपी में इस्तेमाल करती हूँ। आप ये रेसिपी इलायची के पाउडर से भी बना सकते हो, इससे भी टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये सारी सामग्री इस स्टेज पे जो हमने रोस्ट करके रखा था ना वो डाल देते हैं। तो ये सारा जो भुना हुआ था हमने इसमें डाल दिया है, साथ ही साथ जो हमने रोस्ट करके सूजी रखी हुई थी घी के साथ, तो एकाएक नहीं देंगे, इसको भी हम धीरे धीरे देते जाएंगे और फिर चलाते जाएंगे, क्योंकि ये जो है हमारी सूजी अर्ली क्या करती है, दूध को एब्जॉर्ब कर लेती है, पी लेती है। इसमें लम्स गुठली वगैरह सब ना बने, इसीलिए आप एक हाथ से धीरे धीरे देते जाइएगा और एक हाथ से मिलाते जाइएगा। आप जो यहाँ पे बचा हुआ सूजी है उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस स्टेज पे हमारा जो गैस का फ्लेम था वो लो टू मीडियम था, ना तो ज़्यादा हाई था और ना ज़्यादा कम था, बस बीच में था और लम्स गुठली वगैरह सब इसमें नहीं आए हैं। तो इसको हमें डो की तरह बना के रेडी कर लेना है, जब तक ये एकदम डो जैसा होता है ना, आटे की डो होती है, उसी तरह से इसको हम पका लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बातों ही बातों में जो ये हमारी डो है मोदक की बनके रेडी हो गई। तो है ना दोस्तों, एकदम फ्लेवरफुल और आसान तरीके से आपकी मोदक की रेसिपी। जो भी सामग्री वगैरह सब थी वो ऑलरेडी भुनी हुई थी, कच्चा नहीं है, तो कच्चे होने का कोई बात नहीं है। और ये इस तरह से पक रहा है तो और टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा। तो बस इस स्टेज पे जो है हम अपना गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और ये जो सारा डो है हम इसको सेम जिस थाली में हमने इसको सूजी को भून के निकाला था उसी थाली में हम इसको डो को निकाल लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, इसको सेम थाली में हमने निकाल लिया है, ये काफ़ी गर्म है तो अभी इसको इस स्टेज पे नहीं बनाना है मोदक, और यहाँ पे इसका टेस्ट इनहेल्स कर देगा, एकदम स्वादिष्ट बना देगा। तो यहाँ पे मिक्स ड्राई फ्रूट्स का कतरन है बारीक कटा हुआ, मैंने इसमें पिस्ता, काजू और एलोमोंड्स है, उन सारे को बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम इसमें आपस में मिला लेते हैं और थोड़ा सा नॉर्मल इसको ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसका मोदक बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मोदक मोल्ड में मैंने सारे मोदक बना के रेडी कर लिए हैं। ये थोड़ा सा हल्का गर्म था और थोड़ा सा ठंडा था, एकदम मीडियम था, और ये मोल्ड को मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और इस तरह से लॉक करने के बाद इसमें जितना हो सके उतना आप फिलअप कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से फिलअप हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, पूरा फिलअप कर दिया है मैंने अच्छे से। अब इसका लॉक जो है हम खोल देंगे, ये इजिली डिमोल्ड हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वाओ सुपर्ब, आप देख सकते हो अंदर भी इसका कितना बढ़िया डिजाइन है और ऊपर भी। और ये जो नट्स वगैरह सब है इस मोदक का और टेस्ट फ्लेवर इनहेल्स करेंगे और ये देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ये देख सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरह से मैंने सारे मोदक ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, कितना मनमोहक, कितना स्वादिष्ट और कितना रबड़ीदार एकदम आपका ये मोदक इंस्टेंटली बनके रेडी हो गया है। कम खर्चे, कम मेहनत और कम बर्तन में, एक ही बर्तन में सारा मोदक आपका बनके रेडी हो गया है। आप नज़दीक से भी देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, बच्चे से बड़े
भोग लगाने के बाद सारा प्लेट चट कर जाएंगे दोस्तों। ये इतना स्वादिष्ट है और जो भी इंग्रेडिएंट हमने इसमें मिलाया है वो अपने आप में ही फ्लेवरफुल है। तो अब तक जो भी आपने रवा की मोदक खाई है, इस रवा मोदक के सामने सारी रवा मोदक फेल है। एक बार आप इस ट्रिक से ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। एक पीस खाएंगे ना आप, अगले दिन मिठास में इसी रेसिपी को बनाएंगे। ये इतना स्वादिष्ट है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इंस्टेंटली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस ट्रिक से इस मोदक को बनाइए, गणपति पप्पा को भोग लगाइए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। गणपति पप्पा आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। तो जब तक ऐसी ही प्यारी और इंस्टेंट आज भरी रेसिपी से मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी इस प्यारी सी दोस्त को ये प्यारी सी मोदक खा के याद करते रहिए।